पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की शानदार जीत के बाद विशेषज्ञ इस बात का विश्लेषण करने में जुटे हुए हैं कि आखिर बंगाल में इस बार ममता की इतनी बड़ी जीत का कारण क्या है। दूसरी ओर अपने सभी चुनावी पैंतरों के बावजूद भी आखिर बीजेपी पीछे क्यों रह गई। ऐसे में जानकार पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों को लेकर मानते हैं कि बीजेपी जहां मोदी और मथुआ के सहारे फतह की तैयारी कर रही थी, तो वहीं टीएमसी ममता महिला और मुस्लिम के सहारे सत्ता में तीसरी बार वापसी की तैयारी कर रही थी। एम फैक्टर का ही प्रभाव है कि आज तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रही है। सबसे पहले बात इस बार के चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट रहा मथुआ समाज के इस चुनाव में अहमियत की। आपको बताएं तो पश्चिम बंगाल में मथुआ जाति के तकरीबन 30 लाख लोग रहते हैं। बांग्लादेश सीमा से सटे नादिया उत्तर और दक्षिण 24 परगना की 4 लोकसभा सीटों और तकरीबन 30 से 40 विधानसभा सीटों के नतीजों को इस समुदाय के लोग प्रभावित करते हैं। इन सीटों पर छठे चरण में यानी 22 अप्रैल को मतदान हुआ था। मथुआ समुदाय पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जाति की आबादी का बड़ा हिस्सा है। यह समुदाय साल 1950 से ही पहले पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में पलायन कर आया था। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह धार्मिक आधार पर उत्पीड़न रहा है। इस चुनाव में बीजेपी ने भरोसा दिलाया था कि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो इन समुदाय को CAA और NRC से अलग रखा जाएगा, लेकिन नतीजों से लग रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दांव कारगर साबित नहीं हुआ। इस समुदाय के लोगों ने TMC के पक्ष में बढ़ चढ़कर वोट दिया है। यहां तक कि बीजेपी ने मथुआ समुदाय के लोगों को बढ़ चढ़कर टिकट भी दिया था। खुद पीएम मोदी इस दौरान बांग्लादेश की यात्रा पर भी गए थे और इस समुदाय के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की थी, लेकिन रुझानों से पीएम मोदी के युद्धाव कारगर साबित होते हुए नहीं दिखे। मुस्लिम वोटर्स की अहमियत बंगाल के चुनाव में हमेशा से रही है। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी मुस्लिम वोटरों की चाबी ममता बनर्जी के हाथों में ही रही। बंगाल में बीते एक दशक से मुस्लिम मतदाता ममता के साथ रहे हैं। इस बार मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने ISF जैसे कट्टरपंथी दल के साथ गठजोड़ तो किया, लेकिन चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि इस गठबंधन को मुस्लिम वोटरों ने सिरे से खारिज कर दिया और कहीं न कहीं बंगाल के मुस्लिम वोटर भी ममता के साथ खड़े हुए नजर आए। दूसरी ओर बंगाल में ममता बनर्जी की जो मुख्यमंत्री के तौर पर लोकप्रियता है, उसको भी बीजेपी हिला नहीं पाई। सौरभ गांगुली समेत अधिकारी परिवार का नाम आगे लाने के बावजूद भी बंगाल के लिए ममता बनर्जी ही पहली पसंद के तौर पर सामने आई। ऐसे में नतीजों ने साफ कर दिया है कि बंगाल में खेला की कप्तान और कोच दोनों ही ममता बनर्जी हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।